रायबरेली पुलिस के द्वारा साइबर जागरूकता प्रचार वाहन को फीता काटकर पुलिस अधीक्षक रायबरेली ने रवाना किया। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस व पिरामल फाइनेंस ने लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के मद्देनज़र आज एक प्रचार वाहन को पुलिस अधीक्षक ने रवाना किया। जिले में कुल 50 से अधिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक और कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना ही उद्देश्य है, ताकि लोग साइबर क्राइम से बच सके और लोगों को इसकी विस्तृत जानकारी हो सके। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि साइबर अपराधों को रोकने के लिए शुरू की गई इस मुहिम के तहत जिले भर में ये वहां घूम घूम कर जहां लोगों में जागरूकता फैलाएगा, वहीं पुलिस विभाग व पिरामल फाइनेंस कंपनी के द्वारा जिले के विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में भी इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए, आज इस जनपद से साइबर अवेयरनेस के कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है। इसकी रूपरेखा कुछ दिन पहले तैयार की गई थी और ये सारे रेंज में जो लखनऊ रेंज है वहाँ के समस्त जिलों में बारी बारी होगा। यहाँ से आज ये फ्लैग ऑफ किया गया है, जिसके अंतर्गत शहर के विभिन्न इलाकों में और जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों में भी नुक्कड़ नाटक करके लोगों को अवेयर किया जाएगा साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के बारे में। स्कूली बच्चों को भी इसके बारे में बताया जाएगा और इसके लिए जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो पिरामल ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, उनसे भी लिया गया है और ये ज्वाइंट प्रयास से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता में साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के बारे में एक अच्छी अवेयरनेस हम फैला सकें, ताकि लोग इस तरह के अपराधों से अपना बचाव कर सकें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।